So guys, today we have Beena ma'am with us. So I'll not be introducing her because a writer doesn't need an introduction. So I'll straight away start with having a conversation with her because it's always lovely to talk with a writer, be it in any point at a day in the time, because they understand you better than you yourselves. Hi ma'am, how are you? Hi, I'm fine, Itisha. Great. Aap kaise so, ho? Main bahut badhiya. बहुत बढ़िया आपको देखकर और बढ़िया हो गई नहीं ये एक्चुअली इट्स म्यूचुअल मुझे बहुत मजा आता है लोगों से बातें करने में तो मैं बहुत खुश होती हूँ नए नए लोगों से मुझे मैम एक चीज बताइए बिफोर वी गेट इनटू हाउ यू रोट द बुक और आपकी जर्नी क्या रही है मुझे एक चीज बताइए एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है मैं किसी भी क्रिएटिव इंसान से मिलती हूँ बीट अ राइटर बीट अ पेंटर हमेशा आता है कि वो एक क्या चीज थी जिसने आपको क्रिएटिविटी की तरफ पुश किया कि आपको ये करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम थिंग्स वो एक क्या चीज थी जिसने आपके अंदर वो क्रिएटिविटी को इंस्पायर किया इतिशा एक्चुअली मैं बचपन से ही जब स्कूल लाइफ में थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उसी समय से ही जो मैं पोएम्स पढ़ती थी कविता पढ़ती थी ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और बुक में जितनी भी कविताएं रहती थी ना मैं रट जाती थी और मुझे सुनाने में किसी को बहुत ही मजा आता था और हमारी जो फ्रेंड्स थी जैसे सीनियर दीदी हुई वो बोलती थी कि बिना ये सुना तो तो वो अपनी फ्रेंड्स को सुनवाती थी मुझसे तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा रुझान है ना कविताओं की ओर बढ़ता चला गया। उसके बाद हमारे स्कूल में टीचर्स का भी था कि एट रैंडम क्लास में आ गई और एक टॉपिक दे दी कि इसमें तुम लोग लिखो और जिसकी सबसे अच्छी रहेगी उसे प्राइज मिलेगा। तो कोई कोई भी ऐसा एक भी इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे प्राइज ना मिला वो फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलता था तो इस तरह से मुझे बहुत शाबाशी मिलती थी और मैम बहुत मुझे उत्साहित करती थी तो धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा और जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं लिखने लगी और घर में मम्मी पापा भैया सबको सुनाती थी सभी तारीफ करते थे। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं यहाँ तक पहुंची। बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करता है उन सबके पीछे एक रीजन ये जरूर रहता है कि उनके आसपास वाले जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत उसे उन्हें प्रोत्साहित किया रहता है कि आप करो करो अच्छा करते हो करके देखो अच्छा है तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि आपके आसपास वाले लोग आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करें कि नहीं तुम कर सकते हो ये तुम्हारे में वो टैलेंट है तो ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपको। बच्चों के लिए टीचर्स गार्जियन और आसपास वाले लोग बहुत मायने रखते हैं। सही बात मतलब मैं उस एज में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है आप जो कह रही है। ओके तो एक चीज मैंने देखा है कि जो लेखक जो शुरू करते हैं लिखना उनको बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं मतलब वो उनके जहन में ये होता है कि वो लिख नहीं पाते हैं प्रॉपरली उन्हें वो मतलब एक अपने थॉट को लेकर के उसे प्रॉपरली एक शेप देना और फिर उसे इस तरीके से लिखना कि बाकी लोग जो उसे पढ़ रहे हैं वो समझ पाए उस पर बहुत दिक्कत होती है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको भी ये सारी दिक्कतें हुई ही होगी तो आप इन्हें ओवरकम कैसे करती हैं। हाँ इतिशा एक्चुअली मेरे साथ वैसी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है या कुछ मुझे अच्छा लगता है जो मेरे मन में एकदम चल रहा है ठीक है अंदर अंदर में एकदम तूफान मची हुई है और जब तक मैं लिख ना लूँ ना तो मुझे शांति नहीं मिलती है तो वो मैं चलते फिरते कुछ कर रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में वो चलते रहता है स्टार्ट कैसे करूँ लिखना कैसे इस टॉपिक पे मुझे लिखनी है तो स्टार्ट मैं कैसे करूँ और ये लास्ट मैं कैसे करूँ ठीक है बीच भी क्या क्या डालूँ तो फिर मैं रफ करने लगती हूँ और रफ करते 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 वो फिर एक अच्छी कविता बन जाती है उसके बाद मैं उसे फेयर कर लेती हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें लिखते रहना चाहिए उनके दिमाग में जो भी है उसे लिखते रहना चाहिए और फिर बाद में वो इसे एक ढांचे में डाल सकते हैं एक सुंदर तरीके से लिख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं जो लोगों को समझ में आए। हाँ बिल्कुल लिखते लिखते फिर होता है कि नहीं ये लाइन को यदि मैं ऐसे लिखूं तो वो ज्यादा बेटर होगा ज्यादा वो कविता ज्यादा सुंदर बनेगी तो इस तरह से बाद में कुछ हेर फेर भी होती है और वो कविता अच्छी बन जाती है। तो ये तो वही बात हुई ना मैम कि आप एक चीज के पीछे अगर अपनी
जान दे दोगे, आप उसके पीछे जान दे के लग जाओगे, तो वो चीज हो ही जाती है अल्टीमेटली, बिकॉज आप उसके बारे में बहुत पैशनेट होते हो, क्योंकि आपको वो करना होता है। हाँ बिल्कुल बढ़िया। और मुझे लगता है ये एक नैसर्गिक गुण है, एक नेचुरल क्वालिटी है कि किसी किसी को होता है। हाँ कोई कोई होता है कि जैसे एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है, कोई एक रोज को देख करके इतना प्रभावित होता है कि वाह उसको खूब अच्छे से निहारेगा, है ना। और कोई होता है कि ऐसे देखा और उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो चलते बना। तो ये जो लेखक होते हैं ना, ये जो कवि होते हैं ना, उनके ऊपर भी यही होता है। कोई जो किसी को कुछ भी खास ना लगे, लेकिन उसे वो इतना खास लगता है, उसके दिल को वो ऐसा स्पर्श करता है कि वो जो है अपने वो कलम में उसे ढाल ही देता है, वो उसे सुंदर कविता में बदल देता है, या जो भी रचना करनी हो वो कर लेता है, तभी उसे संतुष्टि मिलती है और तब जाकर के वो शांत हो जाता है। अब आपने स्पर्श का नाम ले ही लिया है तो हम उस टॉपिक पे भी चले ही जाते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए, तो स्पर्श इज द बुक दैट मीना मैम हैज रिटन इन कोलैबोरेशन विद वाइस क्रिएटर। एक बार आप जरूर उसे देखिएगा। तो बट हम बातें जरूर करेंगे अभी स्पर्श के बारे में, और जानते हैं कि स्पर्श मैम ने कैसे लिखा। तो मैम वो जो बुक आपने लिखा है स्पर्श, आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हमें कि वो स्पर्श उसका टाइटल क्यों है, बिकॉज वो टॉपिक्स थे जो आपके दिल को छू गए, जो आपके दिमाग में रह गए और फिर आपने उस पर लिखा। तो क्या मैम इसके आइडिया कैसे आई आपको दिमाग में कि आपको एक बुक लिखना चाहिए, उसमें ये पोएम्स होने चाहिए और उसका टाइटल ये होना चाहिए, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, आपने कहाँ से आपको ये आइडिया आया? एक्चुअली तिशा, ये जो भी कविता मैंने लिखी है ना, जो स्पर्श में रखा गया है जिसका कलेक्शन, तो वो सारी कविताएं है ना मेरे दिल को बहुत ज्यादा टच करती है, बहुत स्पर्शी है वो कविता, ठीक है ना। वो जैसे ज्यादा कविताएं जो मेरी है वो नारी के ऊपर है, तो मैं अपनी सोसाइटी में ही देखती हूँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी सोसाइटी में ही, हमारे समाज में ही जो इस नारी की जो स्थिति है, ठीक है ना, कहीं उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और कहीं तो उसका लाइफ बहुत ही अच्छा है। ऐसे नहीं कि हर जगह वो संघर्ष में ही जूझ रही है, हाँ अप डाउन होते रहते हैं, पर बहुत जगह ऐसे हैं कि उन्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली हुई है, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो, कि वो उसकी लाइफ तो मैं क्या बोलूं, मायके से ज्यादा अच्छा तो ससुराल में हो जाता है, या मायके में भी बहुत अच्छा है, ससुराल में भी, मीन्स मायके की कमी उसे नहीं महसूस हो रही है। तो अलग अलग टॉपिक पे मुझे लगा कि नहीं, इस पे मुझे लिखनी चाहिए। तो एक कविता तो मैंने लिखा है, जैसे आज की द्रौपदी, तो उसमें मैंने लिखा है उस स्त्री के बारे में जो कि उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, वो जॉब कर रही है, वो घर और ड्यूटी दोनों जो है वो मैनेज कर रही है, लेकिन वहां उसे पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, कुछ लोग हैं जो गैंग बना लेते हैं उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें डिमोट करने के लिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, वो ठान ली है कि ना मैं गलत करूंगी ना मैं गलत सहूंगी, ठीक है। तो जब उसके साथ गलत होता है तो पहले तो उसे समझ में नहीं आता है, पर बाद में वो पूरे समझ में आ जाती है, उसे पूरा समझ जाती है कि नहीं ये तो एकदम प्री प्लानिंग गेम है, ठीक है। तो वो सोचती है कि नहीं मैं अपने सम्मान को तो खोने नहीं दूंगी, फिर वो उसके पीछे लग जाती है और अच्छे से कंप्लेन करती है, और जो उस पर ब्लेम लगा है, जो उस पर इल्जाम लगा है, एकदम वो प्रूफ कर देती है और सबको हाईलाइट कर देती है, सबका जो नकाब है वो हटा देती है उसके सर से कि गलत कौन है और सही कौन है, इस चीज को प्रूफ कर देती है, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के समाज में जो नारी है वो शक्तिहीन नहीं है, वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उसके साथ गेम कर दे, कोई भी उसके उसको जो है वो डाउन कर दे, ठीक है ना। तो और ये जो स्त्री है, जो नारी है, उसे किसी कृष्ण की आशा नहीं देखनी चाहिए, यदि उसकी बेइज्जती हो रही है, यदि उसके साथ गेम हो रहा है, यदि उसे इंसल्ट किया जा रहा है, तो उसे अपनी शक्ति पहचाननी है, अपनी अंदरूनी जो शक्ति है उसे पहचाननी है, और ये आशा नहीं देखनी है कि हाँ अभी जैसे द्रौपदी के टाइम में थे ना, कृष्ण आए थे बचाने के लिए, तो उसे भी कोई आएंगे कृष्ण सहारा देने के लिए, बचाने के लिए, ये नहीं उसे सोचनी है, उसे अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़नी है और तब तक नहीं रुकनी है जब तक वो जो पाना चाहती है वो पाना ले। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरे आसपास की घटना है, बहुत ही क्लोज की घटना है, तो ये मेरे दिल को बहुत छू गई। और आज वो जो लेडी है वो बहुत ही प्राउड फील होकर के वो अपना जॉब कर रही है और वो
प्रूव कर दी कि वो सही है और हर मायने में सही है, वो डरपोक नहीं है, वो एक शेरिनी की तरह है, वो किसी से डर नहीं सकती है, वो ना गलत करेगी और ना गलत सहेगी। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तब मैंने आज की द्रौपदी लिखा। और वैसे ही मैंने कुछ कविता लिखी थी जैसे नारी तू महान है, तो उस कविता में क्या है, कविता है बोलिए या कुछ मेरी रचना बोलिए, कविता कम वो एक रचना है कि नारी का जीवन क्यों महान है। ये ऐसा नहीं है कि नारी का जीवन शापित है, महान है, वो बहुत महान काम करती है, वो उसका जो जीवन है वो जो है वो एक जीवन नहीं है, वो दो कंप्लीट जीवन जीती है, एक मायके का शादी के पहले का देखिए उसका जो बचपन है, और शादी के बाद का देखिए उसका जो ससुराल है, वो कैसे है दोनों जगह वो खुद को बैलेंस करती है, ठीक है, दोनों जगह वो मान सम्मान इज्जत बढ़ाती है और कैसे वो सब सबको संभालती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए जैसे अपने बाबुल का घर है तो पिताजी हुए, भाई हुए, माँ हुई, सब उन्हें सपोर्ट करते हैं, सभी टॉर्चर नहीं करते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, बेटियों को बहुत नाजों से पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं, और सारा सबका ससुराल भी खराब नहीं होता है, कोई कोई बहुत ही अच्छे होते हैं, उसे बहुत ही प्यार से बहुत ही इज्जत से रखते हैं, उसे वो लोग अपना छोड़ करके उसका ख्याल रखते हैं, बहू का ख्याल रखते हैं। तो ये चीज भी मुझे बहुत स्पर्श करता है कि नहीं अच्छे लोग भी हैं, तो क्यों नहीं अच्छाई भी हाईलाइट किया जाए, ताकि हमारा जो समाज है वो लोगों को सीख मिले कि जब सभी लोग अच्छे होंगे, सभी अच्छे व्यवहार करेंगे, तो कैसे हमारा समाज अच्छा होगा, है कि नहीं, कैसे खुशहाली आएगी। तो जो जो घटनाएं मुझे टच करती है, मुझे स्पर्श करती है, वो मैं लिखते जाती हूँ। कोरोना जैसे अभी कोरोना काल कुछ समय में इतना इतनी ट्रेजेडी हुई, इतने इतने लोगों का घर बार छूटा, नौकरी छूटी, लोग पैदल आ रहे थे अपने जॉब छोड़ छोड़ करके, तो ये सब चीजें एकदम मैं व्याकुल हो गई। तो उस पर भी मैंने कविता लिखा जो कि स्पर्श बुक में मैंने डाला है। तो इस तरह से अलग अलग रंग देखिएगा, संघर्ष है हमारा जो जीवन है वो संघर्ष से है, ऐसा नहीं कि केवल फूल ही मिलेंगे, रास्ते में कांटे भी मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेनी है और आगे बढ़ते जानी है, उसके बाद सारे जो दुख हैं कष्ट हैं वो तो दूर होंगे ही और हमें अपनी मंजिल मिलेगी ही। तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष से डरना नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक संघर्ष भी लिखा है जो लोगों को प्रेरित करे, प्रेरणा दे जीने की, उसे ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। क्योंकि ये समय ही वैसा है जब लोग सोच रहे हैं कि ये चीजें कब नॉर्मल होंगी, कब हम बाहर निकलेंगे, कब हम ये करेंगे, कब हम वो करेंगे, तो काफी चीजें हैं। तो हमारे जो दर्शक जो हमें सुन रहे हैं एट द मोमेंट, अगर आप ये देखेंगे तो स्पर्श में जितनी भी कविताएं हैं वो बीना मैम के हृदय के बहुत करीब हैं। तो आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको वो दिखेगा, वो इमोशनल टच आपको वहां पे उन शब्दों में से दिखेगा पढ़ते समय कि वहां पे क्या लिखा हुआ है और कैसे, मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या। पाठक के दिल को भी स्पर्श करेगा, जो रीडर है उनके भी दिल को ये चीज जरूर स्पर्श करेगी। Like, मैंने बुक पढ़ी हुई और ऐसा, मतलब दिख तो पाएगा नहीं स्क्रीन पे, बट मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज के बारे में बात करते हुए कि जब आप उस बुक को पढ़िएगा, उनकी कविताओं को पढ़िएगा, तो वो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके दिल को छू जाएंगी और आपको लगेगा कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ यार ये थॉट्स मेरे भी दिमाग में थे और मैंने काफी कुछ ऐसा देखा है। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है उन मोमेंट्स पे, वहां पे आप लड़ते हो, आप चीजें करते हो, आप उसके आगे बढ़ते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें। और वैसे ही वहां पे एक कविता है इनकी, हर रसोई कुछ कहती है, तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपको बड़े अच्छे से याद आएगा कि आप जब छोटे थे बचपन में तो कैसे आपकी माँ रहती थी और आप वहां जाके माँ के पास खड़े हो जाते थे और वो काम करते रहती थी और आप वहां खड़े रहते थे, आप बैठ के वहां कभी होमवर्क करते थे अपनी, कभी उससे गप्पे मारते थे कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज मैंने ये किया। तो जब वो चीज वो खत्म हो जाती है जब आप बाहर चले जाते हो, मतलब एज अ स्टूडेंट जब हम बाहर हॉस्टल में रहने लगते हैं, तो वो चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें याद आती है। अरे यार मम्मी रोटी बनाती थी तो वहां खड़े होकर उसको कहानियां बताती थी, कभी कभी एग्जाम के समय में उन्हें क्वेश्चन आंसर भी बोल के सुनाती थी मैं तो वहां खड़े होके कि अच्छा ये लो बुक तुम पकड़ो। और उस समय पे मुझे, अब जब आपने ये कहा ना कि नारी तो महान है, तो मुझे ये मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरी माँ उस समय रोटी बेलते हुए, सब्जी पकाते हुए, वो बुक एक हाथ में बुक पकड़ के दूसरे हाथ से छोलन या कच्छुल पकड़ के खाना बना रही रहती थी और उस बुक से वो
सवाल भी पूछ रही रहती थी, तो वो इतने सारे काम कर रही रहती थी और मैं वहां छोटी सी बच्ची खड़े होकर बस आंसर कर रही रहती थी। और मुझे उस समय पे बस यही लगता था कि भाई यही सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, ये आंसर बोलना, जबकि मेरी माँ उससे भी ज्यादा मुश्किल काम कर रही रहती थी। तो काफी रिलेटेबल चीजें रखी हुई, और जैसा मैम ने कहा कि बेटियों को बड़े नाजों से पाला जाता है, तो उसका तो एग्जाम्पल मैं ही दे दूं बैठे बैठे यहाँ पे, कि बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब घर पे रहोगे आप एज अ गर्ल तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको लेट डाउन करेंगे, वो सारे बच्चों के साथ होता है, सभी बच्चों को उनके घर वाले काफी प्यार करते हैं। आप बाहर जब हॉस्टल में जाओगे तो आपको समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने भिन्न प्रकार के लोग हैं वहां, और वो कितने तरह से तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे हैं, उन छोटे छोटे मोमेंट से बने होते हैं ना जिंदगी, जिन छोटे छोटे मोमेंट से बनी होती है, उन्हीं के बारे में बीना मैम ने बात किया है अपनी बुक स्पर्श में। अगर आप उसे एक बार ही पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। है ना, रसोई कुछ कहती है, ये बहुत कुछ कहती है, कुछ नहीं करती है, बहुत कुछ कहती है, और ये जो पढ़ेंगे ना सबको अपनी रसोई वो पास्ट में चले जाएंगे और सब सबको लगेगा कि ये मेरी कहानी है, ये तो जरूर होना है। हाँ, सबको लगेगा कि ये मेरी ही कहानी है, क्योंकि रसोई से सबका नाता है, रसोई के बिना तो जीना ही संभव नहीं है, और सबसे प्रिय चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो घर की गरम रोटी और दाल में जो कंफर्ट मिलता है, वो शायद ही अच्छे रेस्टोरेंट्स के खाने में मिलता है, कितना भी आप पैसा क्यों ना दें। तो सही बात है। तो आगे हम जैसे बातें कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है मैम, कि जैसे मेरे एज के जो बच्चे हो गए या हम मेरे से थोड़े से बड़े एज के भी जो बच्चे हो गए, उन्हें उतनी रुचि नहीं रहती आजकल हिंदी साहित्य को पढ़ने की, उनके लिए ये कहें उनके लैंग्वेज में कहें या उनके क्या मेरे ही लैंग्वेज में कहें तो वो अनकूल हो जाता है उनके लिए, लाइक हिंदी पढ़ना इज वेरी अनकूल। वही कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी से बहुत रुचि होती है, बट उनकी संख्या काफी कम है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? हाँ, मेजर रीजन ये है कि लोग अभी भी है जो इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं, उनका लगाव इंग्लिश के प्रति ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और मे भी मुझे लगता है कि उन लोगों को लगता है कि इंग्लिश पढ़ना ज्यादा अच्छी बात है, हम सोसाइटी में ज्यादा अच्छे बनते हैं, लोग हमें ज्यादा अच्छे नजर से देखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो इंग्लिश पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और हिंदी के लिए लगता है कि हमारे देश में क्या है ना, ये बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि अपनी मातृभाषा को लोग उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी में जितनी मिठास है, हिंदी में जितनी खूबसूरती से हम कुछ लिख सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई अदर, इंग्लिश को ही छोड़िए, कोई अदर लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इस बुक में हमने ऐसा किया है ना कि जो भी मेरी कविता है उसकी, उसको एक्सप्लेन हमने इंग्लिश में किया हुआ है। ठीक है, एक पेज में इंग्लिश में वो एक्सप्लेन किया हुआ है और दूसरे में हिंदी में लिखी हुई है, तो ये किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो भी पढ़ना चाहेंगे ना बिल्कुल इजी वे में पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यदि कोई बुक एक बार पकड़ लें तो पूरा लास्ट तक पढ़ करके ही छोड़ेंगे, बीच में उन्हें छोड़ने की जरूरत, मतलब वो छोड़ ही नहीं पाएंगे, मुझे तो ऐसा पूरा विश्वास है। मैं खुद बोल, मुझे बहुत इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक गो में सारी कविताएं पढ़ी थी जब मैं उसके ग्राफिक्स पे काम कर रही थी और उन चीजों पे, वो छोड़ा ही नहीं क्या मुझसे, ये पढ़ना है, इसपे आगे क्या लिखे, बहुत 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 अच्छा। और वो हिंदी इंग्लिश वाली चीज जो मैम ने कही वो एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ट्रेन है कि हम इंग्लिश ही पढ़ते हैं, हम बच्चे जो होते हैं हम इंग्लिश ही पढ़ते हैं, बट जब, और इस बुक के साथ मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इंग्लिश वाली चीजें पढ़ी और फिर मुझे लगा कि अच्छा ये एक्सप्लेनेशन तो बड़ा अच्छा है, अब हिंदी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने एफर्ट लेके हिंदी में पढ़ा क्योंकि मुझे वो समझना था, वो उत्सुकता आ गई मेरे अंदर कि नहीं यार मुझे ये हिंदी में समझना है, इसको हिंदी में क्या लिखा है एग्जैक्टली, क्योंकि एक लेखक जब अपनी कहानियां या कविताएं लिखता है तो वो जिस लैंग्वेज में लिखता है उसका जो टच होता है वो अलग ही होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जैसे बनारसी साड़ी से टच अलग होती है ना, उसी तरह की चीजें हो जाती है यहाँ पे भी, कि जो लेखक जिस तरह से उसे लिखता है उसकी टच अलग ही होती है। तो मैम, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि आपकी, आपने वाइस रेटर के साथ इतने साल काम किया है, इतने साल क्या, इतने दिन, सॉरी साल बोल दिया मैंने, इतने दिन काम किया है, लाइक मुझे जहां तक याद आ रहा है आप यू वर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर हु हैज वर्कड विद अस,
मतलब एज में भी, एक्सपीरियंस वाइज भी एंड नंबर ऑफ डेज वाइज भी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? वाइज क्रिएटर के साथ मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, भले आप लोग नए बच्चे हो, परंतु मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में जोश है, आप लोग कर्मठ हो, आप लोग काम करना चाहते हो, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप लोग जो है क्रिएटिविटी में लगे हुए हो, क्योंकि जहाँ है, जैसे आपने ही कहा कि बच्चे उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश तो छोड़िए, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो बुक छूना ही नहीं चाहते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जिन्हें पढ़ने में बहुत रुचि है, तो वो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और आप क्या क्वेश्चन की थी इतिशा, थोड़ा मेरे माइंड से निकल रहा है, बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने पूछा था कि वाइस क्रिएटर के साथ आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वाइस क्रिएटर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, और वाइस क्रिएटर के साथ जो मैं जुड़ी थी, तो मैं ऐसे ही जुड़ी, मैं ये सोची नहीं थी कि मैं इतने इतने लंबे सफर तक चलूंगी साथ में। जो मेरा बेटा है वो कॉलेज में, उड़ीसा कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसकी एक फ्रेंड थी, वो कुछ कविता लिखती थी, और वो वाइस क्रिएटर के साथ जुड़ी हुई थी, तो उस लड़की ने मेरे बेटे को बताया, तो मेरा बेटा बोला, अरे मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो फिर बेटा है उसको बताया, उस अपनी फ्रेंड को, उसका स्वाति नाम है, तो स्वाति है जो आप लोगों से कांटेक्ट करवाई, उसके बाद मैं विवेक जी ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसके बाद फिर हमारा सिलसिला ये जारी रहा, परंतु मैं इतनी सीरियसली नहीं थी, मुझे लगा कि चलो देखते हैं, मैं तो लिखती ही हूँ, ये इन्हें दे दिया जाए, तो ऐसे मैं पूरी सीरियस नहीं थी, परंतु बाद में जब मुझे लगा तो मैं तो बहुत खुश हुई कि वाह, ये बच्चे तो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वाइस क्रिएटर के साथ जुड़कर, आप लोग तो मेरे बच्चे जैसे हो, तो मुझे लगता है कि चलो मैं अपने बच्चों के साथ ही हूँ मैं अलग नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली में ही हूँ हमें हमारा भी आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, लाइक हमने काफी कुछ सीखा है आपसे और काफी एंजॉय भी किया है आपके साथ काम करना, बिकॉज एक आपसे बड़े इंसान का जब आपको पर्सपेक्टिव मिलता है तो वो कुछ अलग ही रहता है, और वो बहुत सारी नई चीजों, नई पहलुओं को लाता है आपके सामने जिसके ऊपर आप सोचते हो, आप काम करते हो। अगर शायद आप ना होती तो हमारे दिमाग में ये चीज भी नहीं आती कि उन हिंदी पोएम्स को हम इंग्लिश में भी डिपिक्ट कर सकते हैं ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती ही नहीं अगर आप हमसे जुड़ी ना होती। तो जैसे मैंने अपने साथ देखा है, मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी मुझसे हो नहीं पाती उतनी अच्छे से, तो मैं हिंदी इंग्लिश में जब लिखती हूँ तो मैंने देखा है कि मैं तभी अच्छे से लिख पाती हूँ जब मेरा दिमाग बहुत शांत है, और मेरे कुछ और जो दोस्त है जो लिखते हैं उन्हें मैंने देखा है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लिख पाते हैं या वो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ही लिख पाते हैं, ये इधर उधर होंगे तो उनसे लिखा ही नहीं जाता, तो आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतिशा, एक्चुअली क्या होती है ना कि जब कोई भी चीज मुझे वो टच करती है या मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो वो ना मेरे माइंड में हमेशा घूमते रहेगा, मैं कुछ भी काम करूंगी लेकिन वो जो चीज है वो मेरे माइंड में घूमते रहता है, और दिन भर मैं लगी रहूंगी, लेकिन वो है, मुझे लगेगा नहीं इस टॉपिक पे मुझे लिखनी चाहिए, इस टॉपिक पे मुझे लिखनी चाहिए, और मेरे मन में है ना वो सेंटेंस बनते रहेगा कि कैसे मैं लिखूं, कैसे मैं स्टार्ट करूं, कैसे मैं लास्ट करूं, ठीक है। उसके बाद है जो ये अंदर जो हलचल मचती है, ये जो तूफान जो स्टार्ट होता है, वो तब तक नहीं रुकती है जब तक मैं लिखती नहीं हूँ, तो जब मैं रात में बेड में जाती हूँ सोने के लिए, तब फिर मैं अपनी डायरी उठाती हूँ, पेन उठाती हूँ, और जो मेरे मन में जो आ रहा है उसे मैं लिखते चली जाती हूँ, ठीक है। उसके जब मैं लिख लूंगी तब मैं शांत होती हूँ, उसके बाद मैं आराम से सो पाती हूँ, जब तक लिखूंगी नहीं मैं तब तक सो नहीं पाऊंगी तो मैं ये उत्सुकता हर उस इंसान में होती है जिसे कुछ बनाना होता है, जिसे किसी नई चीज को जन्म देना होता है अपने अंदर से निकाल करके, बिकॉज मुझे मेरी जो सोच है, जहां तक मैं सोच पाती हूँ वहां तक मुझे ये लगता है कि जो भी कोई एक इंसान जो पेंट करता है, जो शिल्पकारी करता है, जो लिखता है, जो कविताएं बोलता है या एक्टिंग में रुचि रखता है, कोई भी चीज जो क्रिएटिव हो, विच इज नॉट मेन स्ट्रीम, उसमें वो इंटरेस्ट रखता है, उसे वो तब तक वो अचीव नहीं कर पाता जब तक एक सर्टन सॉर्ट ऑफ पागलपन ना हो उसके मन में कि मुझे यार ये करना है, ये चीज मुझे
जुनून ना हो. एग्जैक्टली जुनून चाहिए हो, तो जुनून वो सर पे चीजें सवार हो जाती है कि यार ये करना है, ये होगा कैसे, नहीं मुझे करना है और मुझे इस तरह से करना है. बिल्कुल, तो अपने बिल्कुल. अपने शर्तों को चीजों को बनाना वो भी एक कला है जो मुझे लगता है हर एक क्रिएटिव इंसान करता है. हाँ सही बोल रही हो इतिशा, ये तो है ना नेचुरल गुण है, ये जो सृजनात्मकता जो है, वो जो सृजन शक्ति है वो सबके अंदर होती है, लेकिन सबके जो एरिया है ना वो अलग अलग होते हैं. कोई पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कोई कविता लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कोई कोई शिल्पकारी में इंटरेस्टेड है, ठीक है. सब सबकी जो जुनून है ना अलग अलग होती है. तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो लिखने के प्रति ही है, जब तक मैं लिख नहीं लेती हूँ मैं शांत नहीं हूँ. ऐसी ही है. बढ़िया. तो एक और चीज मैम, ये जो जितनी कविताएं आपने लिखी हैं, इतने सारी कविताएं लिखी है, इतनी चीजें देख चुकी हैं आप जिंदगी में, तो एक कौन सी ऐसी चीज है जो अभी भी आपको बहुत सरप्राइज करती है एज अ राइटर? मुझे सरप्राइज करती है, मैं ये देखती हूँ कि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो इतने सारे जैसे जैसे प्रियंका कांड हुआ था हैदराबाद में, डॉक्टर प्रियंका के साथ रेप और मर्डर जो हुआ था, ठीक है. तो मैं देखती हूँ कि हमारे देश में लोग इतने अभी के भी जमाने में इतने कुत्सित कैसे होते जा रहे हैं, उनकी मानसिकता इतनी विकृत कैसे होते जा रही है. जहाँ हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं जो इंसानियत भूल जाते हैं, एकदम दानव बन जाते हैं, ठीक है. तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे समाज में ऐसे ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए. मैं श्रद्धांजलि भी इसी पे ही लिखी थी, मैंने प्रियंका को श्रद्धांजलि दिया था जो प्रियंका के साथ ऐसी कांड हुई थी. तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जो सरकार इतना ध्यान दे रही है पढ़ाई पर, पढ़ने लिखने पर, एजुकेशन पर, लेकिन फिर भी लोग इतने अशिक्षित जैसा कैसे काम कर सकते हैं. अशिक्षित तो कोई ये नहीं है, अशिक्षित भी संस्कारी होते हैं, परंतु इस तरह से मैं क्या बोलूंगी, ऐसा होने नहीं चाहिए हैवान की तरह, ठीक है. तो ये चीज मुझे लगता है कि यदि लोग पढ़े लिखे और पढ़ाई पर ध्यान दें, कुछ रचनात्मकता पर ध्यान दें, तो उनकी जो माइंड है, उनकी जो सोचने की शक्ति है, वो अच्छे अच्छी क्रियाशीलता पर जाएगी, क्रिएटिविटी पर जाएगी, ना कि इस तरह से कुत्सित आइडिया उनके माइंड में आएगा और ये इस तरह के घिनौने कर्म करेंगे, कांड करेंगे. ये तो मुझे है, ये चीजें काफी होते रहती है कि ऐसे लोग भी कैसे हो जाते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए. मूविंग ऑन टू लाइटर टॉपिक्स मैम, आपको कैसे लगता है क्रिएटिविटी में, मतलब आपको क्या लगता है क्रिएटिविटी, मुझे जहां तक लगता है कि क्रिएटिविटी हर एक इंसान को उनकी जिंदगी में चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमेशा जरूरत पड़ती है, चाहे आप एक टीचर क्यों ना हो, चाहे आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे आप कंप्यूटर प्रोग्रामर ही क्यों ना हो, वो अलग तरीके से सोचना जो क्रिएटिविटी आपको सिखाती है वो हर फील्ड में जरूरत पड़ती है. आपके क्या विचार है इस चीज पे? ये तो वो मेरे विचार ये हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है ना वो हर इंसान में होती है, लेकिन लोग ना कुछ कुछ दबा देते हैं, और ये इंसान में होनी चाहिए और उसे उसे निखारने की कोशिश करनी चाहिए. अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो उन्हें अच्छा लग रहा है उसमें उन्हें कोशिश करनी चाहिए और एक नवीन रचना करने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को तो पेंटिंग की बहुत उन्हें पेंटिंग हाँ बहुत ज्यादा शौक होती है, और वो ड्रॉ करते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं. तो यदि उनका जो माइंड है इस तरह पॉजिटिव वर्क में लगा रहे, तो फिर गलत रास्ते में वो लोग जाने के लिए सोच नहीं सकते हैं. तो यदि मन है, ध्यान है, कुछ अच्छी चीजों में लगे, क्रिएटिविटी में लगे, तो वो उनके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, सभी लोगों के लिए अच्छा है. लेकिन यदि क्रिएटिविटी नहीं है और फालतू में माइंड में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो फिर तो वो विनाश का ही कारण बनता है. सही बोली ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि. और यदि ये क्रिएटिविटी में लगी हुई है, तो फिर तो वो बंदा जो है वो अपनी भी तरक्की करेगा और आगे चलकर बहुत ही अच्छा करेगा, समाज के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए अच्छा करेगा, है ना. काफी सही, काफी सही.
सिंस हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की मैम, और मन तो नहीं है मेरा कि मैं इसे खत्म करूं, बट हर अच्छी चीज को कभी ना कभी तो खत्म होना ही होता है। तो बिफोर हम ये पूरे सेशन को खत्म करें, वो एक ऐसी क्या एडवाइस है जो आप लोग जो आपको सुन रहे हैं उन्हें आप देना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हो क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दो, अपने जो गुण है, अपनी जो क्वालिटीज है उसे निखारो। और जैसे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, ये स्पर्श जो मैंने लिखा है, मैं ये चाहूंगी कि आप जरूर पढ़ो और अपनी अपने विचार दो, अपने राय दो, कैसा लगा ये, क्योंकि ये जितनी भी मेरी कविताएं हैं ना, ये समाज को कुछ ना कुछ संदेश देती हैं, ये लोगों से एकदम जुड़ी हुई है। आप लोग पढ़ोगे ना तो लगेगा कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरे आसपास की स्टोरी है, ठीक है? तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप लोग जरूर पढ़ो और मुझे राय दो अपनी कि कैसी लगी। बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टाइम निकालने के लिए अपनी बिजी शेड्यूल से और हमारे साथ आज आने के लिए इस लाइव सेशन पे। तो बस अब हम विदा लेंगे इसी पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय।